नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज होने वाला है, क्योंकि कल न्यूज़ ये काफ़ी चर्चा में रही है कल से, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया, जो कि बेसिकली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये जो ऐप्स हैं इनको बैन करने का सोच रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जो हमारे आईटी एक्ट ने रेगुलेट किया था उनको, वो उन्होंने अब तक उस चीज़ से कंप्लाई नहीं किया है। तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं और इससे हमें और आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उस चीज़ के बारे में कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइडलाइंस क्या क्या हैं जो आईटी, हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एज अ होल, उन्होंने कहा है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बोला है करने को इन ऐप्स को या इन कंपनीज को, वो ये है कि वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करे जो कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। एज इन, अगर मुझे एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इशू है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस नोडल ऑफिसर को या जो भी वो वहाँ पे एक पर्सनल अपॉइंट करेंगे वो कंपनीज़, उनके थ्रू मैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है स्पेसिफिकली कि हमें कोई भी मैसेज हो, कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट हो, या कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, वो पर्टिकुलर कंपनीज जो है वो दे सके। इसका मतलब ये है कि एक ऐप जो है जैसे व्हाट्सएप, उस पर कौन से चैट्स कब आए हैं वो ट्रेस करना, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐप है व्हाट्सएप जो इनक्रिप्टेड है, इतना स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन है उसका, उनके लिए शायद मुश्किल हो। बट अभी तक इस चीज़ को लेके क्लियरली कोई बात हुई नहीं है। और ऑल्सो जो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हाथ के हाथ वो कंपनीज दे सकें, ये जो है मांग इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल जो है ये तय किया था बैक इन फेब्रुअरी। तो अब जाके मई आया है और मई 26 जो कि आज का डेट है वो डेडलाइन है इन कंपनीज़ के लिए टू कंप्लाई। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्विटर ने एटलीस्ट कहा है कि वी आर इन टॉक्स विद द इंडियन गवर्नमेंट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे हम कंप्लाई करें। तो ये दो या तीन जो मेन मुद्दे हैं, इन पे इंडियन गवर्नमेंट जो है स्टर्न है, रुकी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं ये कंपनीज जो है इन सब रूल्स को माने, और इनके रूल्स को मानते हुए ही आगे हमारे कंट्री में फंक्शन करें। तो इससे आप और हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वेल, मेजरली देखो, प्लेटफॉर्म तो चेंज होते रहते हैं, बट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट का काम वैसा ही रहता है। बट ये कहते हुए मुझे और ज़्यादा दुख इसलिए होता है, बिकॉज होता क्या है ना दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, ठीक है, वहाँ पे मैं करीब 3-1 साल से हूँ, या थोड़ा ज़्यादा है 4 साल से हूँ। तो इन 4 सालों में, फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव क्रिएटेड योर वर्क, यू नो, एक बॉडी ऑफ वर्क जिसको हम कहते हैं, आपने एक काम क्रिएट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स तो चलो हैं ही, जो कि आप मेहनत से क्रिएट करते हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर करते हो और एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो ओवर द ईयर्स। तो वो अगर अचानक से इस तरह से रातों रात चले जाए, तो कहीं ना कहीं जो है मन में एक दुख तो होता ही है, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट जो आपने मेहनत करी होती है इतने सालों से एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए, वो आपके हाथों से या आपके फ़ोन से एक ऐप के थ्रू गायब हो जाए। तो कहीं ना कहीं, सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलता, बिकॉज फ्रैंकली मैंने आप लोगों से हमेशा सब कुछ शेयर किया है, कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होता है। ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म्स नए आते रहेंगे, आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म मूव होता रहेगा, बट आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट इट शुड बी माई चॉइस टू डिसाइड कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पर रहना है, रादर देन समबडी एल्स डिसाइडिंग इन माई केस। तो एनी हाउ, डिसाइड जो भी करेगी इंडियन गवर्नमेंट, वो तो ऑफकोर्स एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम सबको मानना पड़ेगा। बट मुझे बस ये आप लोगों से छोटा सा डिस्कस करना था कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इवन व्हाट्सएप अगर चला गया हमारी लाइफ से, तो आपको
कैसा लगेगा और आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे इतना पता है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, बिकॉज कहीं मानो ना मानो एटलीस्ट अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि हम शायद टेलीविज़न से ना लेके हमारे फ़ोन में ही आजकल हम लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो यही बात थी और इसी चीज़ को लेके मुझे लगा आप लोगों से छोटा सा एक डिस्कशन करूं, सो दैट यू गाइज एंड मी आर क्लियर एंड आर ऑन द सेम पेज। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट लेने का सोच रही है। शायद ना ले, शायद ये ऐप्स हम यूज़ करते रहें, बट जो कहते हैं ना एक तलवार लटकती रहेगी इन ऐप्स के ऊपर कहीं ना कहीं, मुझे लगता है फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई ना करें। फ्यूचर में भी अगर कुछ इशू हो तो शायद इनको बोला जाए कि आप हमारे देश से जो है निकल जाइए, अपना बैग, अपना बोरिया, बिस्तरा पैक कीजिए और बाहर निकल जाइए। शायद ये वैसी वीडियो ना हो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि कोई भी छोटी से छोटी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप में और हम में क्लियर होना चाहिए और डिस्कशन जो है ये चलते रहना चाहिए। इसी से रिलेशनशिप एक हमेशा स्ट्रांग होता है। तो इसी के साथ मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। नमस्कार।